यूक्रेन युद्ध में जैसे जैसे पुतिन की सेना कमजोर पड़ रही है, वैसे वैसे पूरी दुनिया के सामने एक नया खतरा मंडरा रहा है। दरअसल पुतिन ने जिस ख्वाब के साथ यूक्रेन पर हमला किया था, वो ख्वाब पूरा होता नहीं दिख रहा है और नेटो समेत तमाम पश्चिमी देश रूसी सेना की हवा निकालने में लगे हुए हैं। और इस सब के बीच पुतिन बीच बीच में आकर परमाणु हमले की धमकियां तक देते थे। उस वक्त पुतिन की इन धमकियों को किसी ने उतनी गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पुतिन परमाणु हमले की जो धमकी दे रहे थे वो अब हकीकत साबित हो सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि पुतिन ने पड़ोसी मुल्क बेलारूस में अपने परमाणु हथियार तैनात कर दिए हैं। बेलारूस की सीमा यूक्रेन से सटी हुई है। खुद बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने मीडिया के सामने आकर इसकी पुष्टि की है। बेलारूस के राष्ट्रपति का कहना है कि 1945 में जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे, ये बम उन बमों से 3 गुना ज्यादा खतरनाक हैं। और बड़ी बात यह है कि साल 1991 के बाद ये पहली बार है जब सोवियत संघ के पतन के बाद रूस ने किसी गैर मुल्क में अपने परमाणु हथियार तैनात किए हों। बेलारूस का कहना है कि परमाणु हथियारों को रखने के लिए सोवियत के जमाने की 6 न्यूक्लियर फैसिलिटीज को ठीक किया गया है। इसके साथ ही बेलारूस ये भी कह रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो इन हथियारों का इस्तेमाल करने से हिचकिचाएगा नहीं, बल्कि मंजूरी के लिए पुतिन को सिर्फ एक फोन कॉल करना होगा। आपको बता दें कि ये हथियार न सिर्फ यूक्रेन के लिए खतरा है, बल्कि 3 नेटो देश लिथुआनिया, लातविया और पोलैंड भी इसकी जद में आ सकते हैं। इन तीनों ही देशों का बॉर्डर बेलारूस से मिलता है।